मैं कौन हूँ? हाय, कॉर्पोरेट स्लेव, कॉर्पोरेट मजदूर, अब बॉस का गुलाम, यही नाम है मेरा, इसी नाम से लोग यहाँ मुझे जानते हैं। भैया ये फिंगरप्रिंट क्यों नहीं चल रहा है? अरे सर अच्छे से पंच करो। तो कहाँ था मैं? कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, तो मेरे जैसे इस देश में और 31% लोग हैं। वो एक्चुअली गुलामी तो 1947 में ख़त्म हो गई थी, ऐसा हमें किताबों में पढ़ाया गया था, लेकिन जैसे ही हमने किताब बंद की और हम ऑफिस की दुनिया में आए तब समझा कि गुलामी तो अभी भी शुरू है, लेकिन अब हम उसे 9 to 5 की जॉब कहते हैं। और असल में वो 9 to 5 नहीं, 7 to 9 की जॉब होती, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक और बॉस का लास्ट मिनट पर दिया हुआ काम वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ये मेरे ऑफिस की कॉफी में पानी इतना रहता है ना जितना पूरे राजस्थान में नहीं है, उतना पानी है इस कॉफी में। खैर ये तो रही मेरी भड़ास, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, नहीं नहीं देखते हैं उनकी कहानी, क्योंकि ये वीडियो है ना। गाइस काम करने आए कि सोने आए तुम लोग? सर सर आपने लंच नहीं किया? अरे वो मेल का काम बाकी का कर दो, जो भी है। गुड नाइट दादा जी। हाँ बेबी, या आई नो आई एम सपोज टू टेक यू आउट, ये वीकेंड है ना, वीकेंड पे छुट्टी है, तो आई टेक यू आउट ऑन दिस वीकेंड। हाँ मम्मी मुझे पता है आपको ग्रोसरी शॉपिंग लेके जाना है, वीकेंड पे चलते हैं ना। क्या क्रिकेट? अरे तू वीकेंड पे कर लेना प्लान। अरे वीकेंड पे छुट्टी रहता है भाई, हाँ वीकेंड पे तू कर ले प्लान, वीकेंड पे मैं ही हूँ। अरे कहाँ जिम चालू है यार, वीकडे पे ऑफिस रहता है, वीकेंड पे छुट्टी है, काम कर, वीकेंड पे आता हूँ मस्त फुल बॉडी मारेंगे। हाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा ना, वीकेंड पे हो ना फ्री, वीकेंड में फ्री हूँ, वीकेंड को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। आज नहीं भाई, वीकेंड, वीकेंड पे कर सकता है, नहीं है टाइम। फाइनली आफ्टर एजेस वी आर आउट ऑन अ डेट, सच अ ग्रेट प्लेस ना, सच अ लवली वेदर। एक सेकंड ना, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ मम्मी। 5 किलो चावल ले लो और 10 किलो आटा, 1 किलो छोला और 1 किलो ले लो, पूरे महीने का राशन भरा लो, बिकॉज सिर्फ संडे को ही टाइम मिलता है, आप ले लो। और वो भी ले लेना मेरा फेवरेट नाचनी की रोटी, किले नाचनी का आटा। हाँ अरे बस क्या बोला तो बोला, तू बॉल डालना, बॉल डाल अच्छे से डालना। ये उधर दो रन है पहले बोल रहा, और साइन चाहिए था सर। अरे आपका ही तो वेट कर रहा था सर, ये प्रॉपर्टी का काम का बहुत डिले हो गया, मैं इधर साइन हो गया ना, मेरा बैटिंग बाकी है साइन हो गया प्रॉपर। अरे आप बॉल पकड़ो, सेकंड पे अरे शाम चल, टाइम हो गया, घर पे नहीं जाना है? नहीं नहीं यार, I've got some work to do. तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग कल मिलता हूँ। ठीक है कल मिलते हैं, चल। शाम। हाय सर। 3-4 दिन से देख रहा हूँ यार, you're staying back after the office hours. Is everything all right? यार सर वही अपना जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसी के लिए I'm just working too hard, ताकि ये
सक्सेसफुली हो जाए बस दैट्स इट. क्वाइट इंप्रेसिव. यू नो व्हाट, आई विल मेक श्योर यू गेट योर प्रमोशन. कीप अप द गुड वर्क. श्याम क्या सुना मैं? सही सुना तू. तुझे प्रमोशन भी मिला, अप्रेजल भी मिला. तेरे से ज्यादा तो यहाँ की कॉफी मशीन काम करती है. कॉफी मशीन छोड़, ये ऑफिस की एचआर तुझसे ज्यादा काम करती है. यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग का यार. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हार्ड वर्क नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क चलता है. समझा क्या? ज्ञान मत बांट. प्रमोशन कैसे मिला वो बता. क्रिकेट देख के. क्रिकेट देख के? देखो क्या लगता है, रात भर में यहाँ बैठ के काम करता था? पागल है क्या? जब तुम लोग निकलते थे, बॉस निकलता था, तुम लोग के सामने एक्टिंग करता था मैं काम करने की. पर मैं क्रिकेट देखता था. पता भी वो श्रीलंका में इंडिया ने क्या तूफान लाया. श्रीलंका कैसा है रहा? तुम यहीं पे बैठ के देखा मैंने. तो इधर क्यों, घर जाके देखना मैचेस? नहीं तू समझा नहीं. नहीं समझा. घर पे जाएगा तो बीबी का किचकिच, माँ का किचकिच, बाप का किचकिच, बेटे का किचकिच, भाई ये करो वो करो. मैच कैसे देखेगा इंसान? और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या पूछ? क्या मजा का मजा और फुल प्रमोशन ना तेरे भाई को. चला भारी सिस्टम है. मानता है कि नहीं? मान गया मान गया मान गया. सही है यार, स्मार्ट निकला तू तो. अरे ये सब छोड़, अभी तो वर्ल्ड कप आ रहा है. वर्ल्ड कप के हर एक मैचेस में यहीं से देखूंगा. वैसे क्या लगता है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? कैसा बात करता है तू? इसीलिए तेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है. इंडिया ऑब्वियसली. मेरा दिमाग और दिल दोनों बोलते हैं ये बार इंडिया ही जीतेगा. नहीं नहीं मैं भी चाहता हूँ इंडिया जीते, लेकिन बाकी की टीम्स बहुत टफ है भाई. लेकिन बाकी टीम के बारे में सोचना ही क्यों है जब इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? अरे लेकिन कंपटीशन है. क्या कंपटीशन? अपने ये कॉन्वर्सेशन से ना मुझे वो हॉटस्टार का फैन पल्स का शो याद आ गया. देखो पता है ये कौन सा शो है? अरे हॉटस्टार पे एक शो है फैन पल्स, वहाँ पे भी सेम अपने ऐसा डिस्कशन होता रहता है. एक साइड पे अपना वीरेंद्र सहवाग और दूसरे साइड पे गांगुली. अरे वो दोनों भी कंफ्यूज अपने दिल और दिमाग के बीच में. एक काम कर दो ना, देखो एक एपिसोड दिखा दो, बहुत मजा आएगा. दिखा दिखा दिखा. Will India break the jinx and finally win this World Cup? पांच पांच मैचेस है एक वेन्यू में, तो जैसे समय जाता रहेगा विकेट घूमने लगेंगे. पर दादा अगर स्पिनिंग ट्रैक होगा, स्पिन होएगी, बॉल घूमेगी तो नहीं यार ये सेम चीज अभी कर रहे थे अपन. ये शो देखना पड़ेगा, शायद ये शो देखने से प्रमोशन मिल जाए. वैसे मैंने सुना तू वर्ल्ड कप के मैचेस देखने जा रहा है, क्या प्रमोशन के साथ बॉस की जायदाद भी मिल गई क्या? क्या सीन है? नहीं रे ये सब थम्सअप पीने का कमाल है. क्या बात है यार, क्रिकेट देखने से प्रमोशन मिल रहा है, थम्सअप पीने से मैच टिकट्स मिल रहे, और मुझे लगता था काम करने से सब कुछ मिलता है. अरे तेको भी मिल सकती है. थम्सअप के पीछे QR कोड है, सबसे पहले वो स्कैन कर और फैन पल्स पे जाके अपनी फेवरेट टीम को वोट कर जो तेको लगता है जीतने वाली है. और अगर तेरी किस्मत भी मेरी जैसी रहेगी ना, तेको भी एक वर्ल्ड कप की फ्री टिकट मिल जाएगी. दिखा. ए मैंने बोला था मैच टिकट फ्री है, थम्सअप नहीं. खुद का थम्सअप जाके खरीद. एंड आप लोग भी थम्सअप खरीदो, QR स्कैन करो एंड स्टैंड अ चांस टू विन वर्ल्ड कप मैच टिकट्स. अरे श्याम सर कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रमोशन हो गया ना आपका? नहीं मेरा प्रमोशन नहीं हुआ. आपका प्रमोशन नहीं हुआ? नहीं. ऑफिस में अभी अप्रेजल्स और प्रमोशन चल रहा है तो काफी लोगों का हुआ. एंड आई हैव सीन यू वर्किंग हार्ड, तो आई थॉट आपका भी हुआ होगा. मैं तो जूनियर हूँ, मेरा तो इतना जल्दी होगा नहीं, पर आपका कैसे नहीं हुआ? यू आर राइट यार, सबका हो रहा तो मेरा क्यों नहीं हुआ? देखो पता है प्रमोशन कैसे लेते हैं? मैं जूनियर हूँ अभी, मेरे को कहाँ. डोंट वरी, जस्ट वॉच एंड लर्न. बता दो देख. Yeah, no worries at all. The project that we're leading, it's on a good path. So trust us on that. All our employees are putting in good effort. So yeah, yeah. No. Promotion? नहीं नहीं जो तू बोल रहे हो प्रमोशनल ऑफर है वो ऐसे प्रोडक्ट पे मिलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोशन. वो एक्चुअली इट्स वेरी नेसेसरी, मतलब एक एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए. इट्स वेरी नेसेसरी, नेसेसिटी प्रमोशन. या आवाज आवाज नहीं आ रहा है. आई विल बी बैक, आई विल बी बैक. या हेलो. नहीं नहीं मैं अपनी कंपनी स्विच नहीं करना चाहता मैम. मैं अपनी कंपनी में बहुत खुश हूँ, वो मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है अभी. मैंने अच्छा काम किया है ना, तो प्रमोशन तो मुझे है ना. प्रमोशन हेलो. अरे अरे आने दो, जितने भी ऑफर्स है. अरे मेरे मेल पे बहुत सारे ऑफर्स है कंपनी से, बट नो मैं अपनी कंपनी को लेके बहुत लॉयल हूँ. मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपनी कंपनी के लिए. प्रमोशन तो ऐसे मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, प्रमोशन तो पक्का है अभी. हाँ
नहीं मान रहे सर। सर आप घुमा फिरा के बात करना बंद करो। यू विल हैव टू डायरेक्टली टेल हिम। आपके पास तो ऑफर है ना, डायरेक्टली बोलो। नहीं है ऑफर कंपनी के, वो तो मैं ऐसे खाली ब्लफ कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ सर के सामने ताकि सर मान जाए, बट नहीं। आई कैन सी योर ब्लफ इज वर्किंग, यू जस्ट हैव टू पुश अ लिटिल मोर। सच्ची? हाँ जस्ट टेल हिम यार कि मतलब मेरे पास ऑफर है, मैं चला जाऊँगा। ऑब्वियसली सर तुमको थोड़ी जाने देंगे यार, यू आर सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी। मतलब जस्ट ब्लफ हिम यार, गो टेक दैट प्रमोशन, कम ऑन बी अ मैन, गो फॉर इट। सर मुझे आपसे बात करनी है। यस शांतल। सर कंपनी में सबको प्रमोशन मिला है, व्हाई नॉट मी? एंड आई थिंक द वर्क दैट आई हैव डन, इतना अच्छे से मैंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, मुझे भी प्रमोशन मिलना चाहिए। बट शाम देखो सर, वो एक्चुअली मेरे मेल्स में भी ना, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कंपनी के ऑफर लेटर आए हुए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग बिकॉज मैं इस कंपनी को लेके वेरी डेडिकेटेड। तो आई थिंक आपको मुझे प्रमोशन दे देना चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो शायद I might switch. I mean, either I should get a promotion या फिर self dignity के लिए मैं किसी और कंपनी में चला जाऊँ। Oh, is it like you have opportunities from other companies? Yes, sir. देखो, मैं तुम्हारी progress रोकना नहीं चाहता। अगर कोई दूसरी कंपनी तुम्हें और better position offer कर रही है, then you should go definitely. Sir, हम बात कर सकते हैं। I mean, ऐसा कुछ नहीं है मैं। और तुम resignation का बिल्कुल tension मत लेना। I'll sign it first thing in the morning. Dhruv. Yes, sir. So, Shyam हमारी कंपनी कल छोड़ के जा रहा है, which means his position is completely vacant. तो मैं चाहता हूँ कल से तुम Shyam की position ले लो. So, Dhruv, that means you're promoted. Congrats and yeah. Thank you so much, sir. Sir, thank you so much. Congrats. Thank you so much. Shyam sir, sorry. सर तो बच्चे नहीं। Shyam, तू बोल रहा था promotion कैसे लेते? प्रमोशन ऐसे ले। आई होप यू वॉच्ड एंड लर्न। निकल ले बेटा। प्रमोशन भी किया तो पक। सर सर फंजा बच्ची गैंग 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 बच्ची गैंग।